हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी की सब्जी बनाने की विधि। अरबी जिसे पिनालू भी कहा जाता है, तो किस तरीके से हमारे उत्तराखंड में हम लोग बनाते हैं वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अरबी हमने यहाँ पे ली है और उसको हमने अच्छे से पहले उबाल लिया था। 1 से 2 सीटी में उबालना है, बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। और उसके बाद हमने अच्छे से इसके छिलके को अलग कर लिया है और उसके बाद हाथ से हमने इसको जो है मैश किया हुआ है। अगर आप लटपटी या तरीदार आप बना रहे हैं तो हाथ से इसको मैश करके इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर आपको इसका लटपटा या पसंद नहीं है तो आप जो है चाकू से कट भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने अपने अरबी को तैयार कर लिया है। हमने कुछ हाथ से मैश किया हुआ है और थोड़ा हमने चाकू से कट कर लिया है। अब जो यहाँ पर हमें इसके साथ सामग्री चाहिए, यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा सा टमाटर लिया हुआ है, छोटा सा एक टमाटर, लहसुन हमें लेना है, प्याज लेना है और हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक यहाँ पे हमने तड़के के लिए जो है ये सामग्री हमने ली हुई है। तो अब जो है हम यहाँ पे बर्तन रखेंगे गैस पे और उसमें जो है हमें सरसों का या मस्टर्ड ऑयल या जो भी आप ऑयल यूज करते हैं यहाँ पे वो उसको जो है अच्छे से गर्म कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो इसमें हमारा अरबी की सब्जी में या पिनालू से कहा जाता है उसमें विशेष रूप से अजवाइन का तड़का यहाँ पे लगता है, जिससे जो है इसका बादी जो है वो ख़त्म होता है और खाने में स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ हींग भी हमें यहाँ पे ऐड कर लेनी है और अब हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी जो इसकी सब्जी है अरबी की सब्जी है उसको सब जो गर्म बनाती है, थोड़ा उसको जो बादी जो ठंडा उसको माना जाता है उसको दूर करती है। तो यहाँ पर अब हम लहसुन डाला हमने, उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज ऐड किया हुआ है और इसका जो है कलर चेंज होने तक इसको जो है हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे अदरक भी डाल लिया है और इसी के साथ जो हमने हरी मिर्च यहाँ पे डाली हुई है, मिर्च ऑप्शनल है, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ पे हमने मसाले जो है इसमें टमाटर यहाँ पे ऐड करना है, टमाटर भी यहाँ पे ऑप्शनल रहता है। टमाटर अगर आप नहीं भी डालते हैं फिर भी जो हमारी अरबी या पिनालू की सब्जी है वो स्वादिष्ट बनती है, तो टमाटर यहाँ पे ऑप्शनल रहता है। तो और टमाटर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पड़ता है, थोड़े ही टमाटर से यहाँ पे हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मसाले हम ऐड कर लेंगे, हल्दी हमने डाली है और इसी तरीके से 1 चम्मच धनिया डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक डालेंगे। तो इस तरीके से सभी मसालों को जो है हमें अच्छे से ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मिर्च डाली है, मिर्च आपको ऑप्शनल है। तो ये हमने यहाँ पे इतने मसाले हमने ऐड कर लिए हैं और अच्छे से जो है अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे ईजिली पक जाएँ और तेल में ना जलें। तो इस तरीके से इनको अच्छे से धीरे धीरे फ्राई करना है और यहाँ पर हमारी जो गैस की जो आँच रहेगी वो हमारी मीडियम ही रहनी है। तो इस तरीके से इसको हम अच्छे से धीरे धीरे 2 मिनट के आसपास जो है टमाटर और मसालों को फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कितने धीरे धीरे जो है ये पक रहा है और मसाले अच्छे से जो है मेल्ट जो है पक रहे हैं, हो रहे हैं, ऑयल में मिक्स हो रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये ऑयल छोड़ने लगता है तो इसके बाद इसमें जो है हमें सब्जी ऐड करनी है। देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी ऑयल यहाँ पर छोड़ने लगा है मसाला। तो अब हमने जो यहाँ पर पिनालू यहाँ पर अपने ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप जैसे सूखे पिनालू खाना चाहते हैं या गुटके आप खाने चाहते हैं तो आप जैसे चाकू से डायरेक्ट पिनालू को कट यहाँ पे करना है और डायरेक्ट आप इस तरीके से 2 मिनट से 5 मिनट के आसपास मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे उसको, तो सूखे ही आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेकिन तरी वाली सब्जी हम बनाने वाले हैं क्योंकि हमने हाथ से भी मैश किया हुआ है इसको। तो इसमें हम जो यहाँ पर पानी इसमें डालेंगे, तो जब हम यहाँ पर पानी ऐड करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी पहले से ही गर्म कर लेना है। तो गर्म पानी यहाँ पर ऐड करना है हमको, तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। तो जितना भी आप तरी आप रखना चाहते हैं उतना ही तरी यहाँ पे हम ऐड पानी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से पानी यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के आसपास हमको इसको और पकाना है ताकि हमारा पानी भी अच्छे से पक जाए और जो है अरबी के अंदर जो है मसाला जो भी अच्छे से पूरे सब्जी में ऑब्जर्व मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमको अच्छे से इसको धीमे धीमे चलाते हुए जो है, ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा चलाएंगे तो फिर मैश भी हो जाता है, लेकिन इस तरीके से जो है हमें धीरे धीरे इसको पका लेना है 5 मिनट के आसपास। अब सब्जी हमारी तैयार होने को है, 5 मिनट इसको हो चुके हैं। तो एक बार इसको हम और चलाएंगे थोड़ा सा, तो
थोड़ी देर बीच बीच में चलाना तो पड़ता ही है, अगर नहीं चलाएंगे तो इसमें नीचे बर्तन में जो है सब्ज़ी चिपक जाती है, तला लग जाता है। तो इस तरीके से अब हमारी सब्ज़ी जो है यहाँ पे तैयार है। अब हम गैस को यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। तो सब्ज़ी जब हमारी तैयार हो जाती है तो लास्ट में जो है यहाँ पे हमें हरे धनिया से अपनी सब्ज़ी को सजाना है। तो इस तरीके से जो है अरबी या पिनालू की सब्ज़ी हमारे यहाँ पे बनाई जाती है, और खाने में जो है बहुत इसका टेस्ट अच्छा होता है, और सूखा भी इसका बनाया जाता है, तरी वाली सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो आप इसको जो है पूरी के साथ, रोटी के साथ, या आप जो है इसको खा सकते हैं। पूरी के साथ जो है इसका हमारे उत्तराखंड में जोड़ा माना जाता है, पूरी पिनालू कहा जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।